हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपने इस चैनल में, इस वीडियो में कोई गाना वगैरह करने वाला हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं ये वीडियो मैं स्पेशली गाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों से, जैसा कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है कि इस समय हम एक ऐसी महामारी से हमारा पूरा देश, दुनिया जूझ रही है, बहुत ही खतरनाक है कोरोना वायरस, और उसको हैंडल करना ही हम सभी के लिए चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में हम सभी भारतीयों की, बल्कि हर एक इंसान की ये जवाबदारी बन जाती है कि हम इसे पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी सरकारों का सपोर्ट करें और जितना बन पड़े उतना ज़्यादा सहयोग करें, इंडिविजुअली करें, ताकि इसको जड़ से ख़त्म कर पाएं और अपने देश में ये उस तरह ना फैलने पाए जैसा कि हम लोगों ने बाहरी देशों में देखा है। तो आज मेरे मन में जो एक सवाल उठ रहा है, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से शायद आप लोगों के मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हों, तो इस सवाल का जवाब ढूंढना आज मुझे लगता है बहुत आवश्यक हो गया है। और अगर इस सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी कहीं भी ऐसी कोई भी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे हमारे देश में। जैसा कि हम लोग की विश है, हम लोगों की इच्छाएं हैं कि हम और हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहे, इतनी प्रगति करे, हमें विश्व गुरु कहे, माने, और हम सबकी ये हार्दिक इच्छाएं होती हैं कहीं ना कहीं। तो उसके रास्ते में जो मुझे लग रहा है आज की डेट में, खास करके कोरोना के केस में, आज कई ऐसे विशेष धर्म विशेष ग्रुप हुए या कुछ भी ऐसे कई संगठन हुए जिनकी वजह से थोड़ा ये लड़ाई कमजोर होती दिख रही है। मैं इसमें किसी एक ग्रुप, एक संगठन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, बल्कि ये मैंने देखा है प्रायः सभी तरह के संगठनों में ये चीजें देखी जा रही हैं कि हम इतने अपने आप को विवश पाते हैं कि हम खुद से अपना कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमें ये डिसीजन करने में इतनी तकलीफ होती है कि हम आखिर करें क्या, करें और क्या ना करें। कई ऐसे दुविधाएं हम लोगों को आ जाती हैं, जैसे कि अभी देखा जाए कोरोना के केस में तो हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये डिसीजन ही नहीं ले पाए वो कि कोरोना जैसी बीमारी को हमें इंडिविजुअल तौर पे भी लड़ना है और ये सिर्फ एक धार्मिकता को आपके खंडित करने का कोई व्यवस्था या ऐसी कोई समाज प्रशासन की कोई ये ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिससे आपके धार्मिकता को चैलेंज करने की बात है। लेकिन यहाँ हमारी जो सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हमारे देश का हर एक इंसान स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जो पहला धर्म होता है किसी भी इंसान का। हमारे आसपास, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार, हमारा देश, जिला, सारे जगह ऐसी कोई बीमारी अगर हमारी वजह से कुछ फैल रही है तो हमें उस पर, हमारा सबसे पहला धर्म होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की गतिविधियां, आए दिन मुद्दा कुछ अनेक डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियां हो क्यों रही हैं और कैसे हो जाती हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम तो इस तरह के नहीं हैं, हम तो इस तरह के नहीं हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं। और तो सवाल इसी धार्मिकता से, अगर हम इतने धार्मिक हैं, इतने सफल हैं, एक विकासशील देश के नागरिक हैं जो अपने आप को विश्व गुरु कहने के हकदार समझता है, तो हम इतने डिपेंडेंट कैसे हो गए? हम
कैसे अपनी धार्मिकता, अपने सज्जनता का आकलन इस बात से लगाते हैं कि हमें बाहर के लोग जो सिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं करने को, वही करने से हम धार्मिक कहलाएंगे। मैं बात करता हूं पर्टिकुलर अगर बात करूं तो, कि जैसे एग्जांपल के लिए कि सच्चा पंडित वही है जो ये जो क्या बोलते हैं भगवा रंग पहने और दाढ़ी बढ़ाए, चोटी रखे, इस तरह की बातें, कई तरीके होते हैं। एक आप अपने पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे कुछ भी करते हैं वहां तक सब ठीक रहता है। आप पर्सनली जिस तरह से भी अपना धर्म का परिचय देना चाहें दे दीजिए, वहां तक सही होता है। इसी तरह से मुस्लिम भाई लोग, उनका भी यही है कि अपनी ये दाढ़ियों को थोड़ा लंबा रखते हैं, बालों को छोटा रखते हैं, या कोई एक स्पेशल तरीका है सर पे टोपी रखने का, वहां तक भी ठीक है। नमाज पढ़ते हैं अपनी अपनी, जैसे भी अपने ईश्वर की भक्ति करना है आपको, वो भी अपना इंडिविजुअल तक सही है। लेकिन इसको किसी विशेष संगठन के तौर पर या किसी तरीके से किसी जैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है वहां उसको ऐसे फोर्सफुली जबरदस्ती उसको शो करना, क्या आपको लगता है कि एक धार्मिकता का परिचय हुआ, आप धार्मिक हो गए? ये तो इस तरह हो गया कि जैसे कि लाइक आपको किसी ने कहा है कि आप यही करोगे तो ही आप धार्मिक हो ना? आप टोटली डिपेंडेंट हो गए कि जब तक कोई बाहरी व्यक्ति आपको गाइड नहीं कर रहा है कि लाइक इस तरह करोगे तो ही आप एक धार्मिक पुरुष हो, एक सज्जन पुरुष हो, एक समझदार पुरुष हो। और देशभक्त, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या आपके अंदर का जो दैवी शक्ति है, जो आपका ईश्वर पे भरोसा है, क्या वो आपको जवाब नहीं देता इन सारे सवालों के जवाब? क्या आपको अपनी धार्मिकता का आकलन आप अपने अंदर से नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप अपने घर में रह के अपने एकांत चित्त में अपने ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकते, उसकी प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या इतने मजबूर हो गए हैं आप? ये इंसान की कैसी महानता हुई, ये कैसा विकास हुआ कि वो हर बात के लिए बाहरी लोगों पे डिपेंडेंट हो गया है? अगर हमें हमारे मौलवी, पादरी, गुरु, पंडित, उनके आदेशों के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते क्या? आप इतनी जीती जगती, इतनी बड़ी शक्ति हो, आपको ईश्वर ने ही, आपको ही इस दुनिया में लाया है। हर इंसान को ईश्वर ने लाया है। तो आप इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं? कैसे आप डिसाइड नहीं कर पाते? आपके अंदर भी तो भगवान ही है, क्यों नहीं सुन पाते आप? इतना मजबूर क्यों पाते हैं अपने आप को? मुझे नहीं लगता कि अगर हमने इस बहुत ही बेसिक और बहुमूल्य या महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगर हमने अपने जीवन में नहीं खोजा तो हम किसी भी विकास के हकदार रहेंगे, अपने या अपने देश के। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर से नहीं आएंगे, आप एक स्वतंत्र और सफल नागरिक नहीं हो पाएंगे। अब कितना भी आप दूसरों के कहने पे कितना भी ये सब कर ले, टोपी पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, दुनिया भर के नियम कायदे अपना ले, मुझे लगता है आप अधूरे रहेंगे हमेशा। जब तक आपका ईश्वर आपका हाथ नहीं थामेगा, आपके अंदर का ईश्वर आपका हाथ नहीं था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और अपनी बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी भारतीयों से, कि कृपा करके आप इस समय तो कम से कम संगठित तौर पर अपनी धार्मिकता का परिचय ना दें। और विनती है, आप अपने अंदर के ईश्वर को पहचानिए, उसके साथ चलिए, उसके हाथों में अपना हाथ दीजिए, वो आपकी सारी चीजें समझेगा और आपको सारे जवाब देगा। और बस
यही आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।